गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आप एकाग्रचित होकर कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज आपके प्रॉफिट एंड लॉस का अगला क्लास है। अभी तक आपको टाइप एक पूरी तरीका से समाप्त कर दिया है मैंने अपने असाइनमेंट से। जिन विद्यार्थियों के पास असाइनमेंट नहीं है, आप या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को अभी ज्वाइन करें और लगातार चैप्टर वाइज जितने भी मैथ्स के असाइनमेंट है सभी को प्राप्त करें, जीके के बेस्ट असाइनमेंट को प्राप्त करें। तो जरूर आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस से। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस का अगला क्लास, जिसमें आपको टाइप टू का 33 क्वेश्चन का सुपर फास्ट सॉल्यूशन होने वाला, बिल्कुल पलक झपकते ही आंसर आपके सामने आएगा। और इसके पहले मैं इसका थ्योरी दे चुका हूं, जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं जरूर उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो मैं सेक्शन वाइज सेक्शन एग्जांपल देता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं और उसको बनाने के बाद आप असाइनमेंट बनाएंगे तो कम से कम 70-80% क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। यही पढ़ने का बेस्ट तरीका है। पहले एग्जांपल्स थ्योरी क्लास वाला आप क्लियर करो, फिर आप टाइप बाय टाइप असाइनमेंट बनाओ और फिर प्रैक्टिस सेशन किसी भी बुक से करो असाइनमेंट के बाद, तो 99% क्वेश्चन आपसे बनेगा। इससे बाहर कुछ भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आइए शुरू करते हैं फटाफट आज का क्लास। वीडियो अंत तक देखिएगा, कोई परेशानी हो तो कमेंट करना है और दबा के शेयर करना है, कोई विद्यार्थी वंचित ना रहे। आइए देखते हैं, आइए हम लोग टाइप टू का पूरा सॉल्यूशन फटाफट कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा, स्नेहा ने 700 रुपए की अंगूर खरीदी और 840 में बेच दी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइप का, जिसमें सर्वप्रथम लगा हुआ था, आप पढ़े होंगे, फिर से मैं उसको दोहरा भी देता हूं, जो विद्यार्थी नहीं देखे उस कंसेप्ट को जरूर देखिए, क्योंकि आप भले ट्रिक की खोज में लगे हुए रहते होंगे यूट्यूब पे या कहीं भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका कंसेप्ट को पकड़ो, खुद ब खुद ट्रिक रिसर्चर बन जाओ, स्पीड अपने आप आएंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट बता दे कि कभी भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछे तो सबसे पहले क्रयमूल विक्रयमूल प्राप्त कर लो, कैसे भी प्राप्त करो, क्योंकि क्रयमूल विक्रयमूल पता चल गया तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है। मैं यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रयमूल गुना 100, लाभ बटा क्रयमूल गुना 100। उसके बाद आपको यह भी बताया था कि हानि प्रतिशत बराबर तो हानि बटा क्रयमूल गुना 100, लेकिन लाभ कितना होगा हानि कितना होगा इस पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो। तो आइए फटाफट, यहां बोल रहा है कि कोई व्यक्ति स्नेहा है जिसने 700 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और बेचा कितना में भाई, तो बेचा 840 में। 700 में खरीदा, 840 में बेच दी, कितना लाभ होगा? आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, नहीं मर्जी है तो नहीं भी काटिए, चाहे तो आप काट सकते हैं, क्योंकि रेशियो का नियम ही काट देना, 14 से कटेगा, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, क्रयमूल 5 विक्रयमूल 6, निश्चित हो गया कि लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रयमूल गुना 100, लाभ कितना बोले सर, 5 क्रयमूल है 6 विक्रयमूल है, लाभ 1, तो 1 बटा क्रयमूल 5 और गुना 100, काटेंगे आ जाएगा हम लोग का कितना प्रतिशत, 20%। और 20% आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर होगा बी। क्लियर हुआ? 100% समझ में आएगा। हम लोग और स्पीड से बनाएंगे। देखिए, जितना कहा जाता है कि जैसा संगत वैसा रंग है, आप जितना स्पीड का साथ करिएगा उतना आपके अंदर भी स्पीड आ जाएगा, और उसको फॉलो करने का प्रयास करिए तो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि आजकल के जनरल कंपटीशन में बिना स्पीड के आप नहीं टिक सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ये तो और मजेदार है, वही सेम रेशियो दे दिया है और ऐसा भी आपको बताए थे एग्जाम्पल, क्रयमूल विक्रयमूल का डायरेक्ट रेशियो बोल रहा है कि 5:6, तो लाभ प्रतिशत, तो बोले सर इसका भी तो आंसर 20 हो जाएगा, लाभ 1 क्रयमूल 5 और गुना 100, काटेंगे आ गया आंसर 20%, ऑप्शन मिला लो भाई ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का तो कुछ कहना ही नहीं है, माइंड में तो आंसर क्लिक कर गया होगा। कहता है क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 4:5, जस्ट पीछे वाला एक क्वेश्चन, 4:5 पहले से 4:5 दिया हुआ है। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो बोला कि सर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, तो 4 क्रयमूल है 5 विक्रयमूल है लाभ, बटा क्रयमूल गुना 100, तो क्रयमूल 4 और गुना 100 काट दिए, हो गया आंसर 25%। इससे आसान क्या होगा, 25% ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए ऑफर है, इसका आंसर आपको देना है। क्रयमूल विक्रयमूल का अनुपात 20:21 है, लाभ बटा क्रयमूल गुना 100 करिए और आंसर कमेंट में फटाक से दे दीजिए। मैं मानता हूं आपके माइंड में ही क्लिक किया होगा, लेकिन आप आंसर दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमें भी खुशी मिलेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप जम के तैयारी कर रहे हैं और एक भी वीडियो मिस नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑफर पर ऑफर, इसी को कहते हैं धमाका ऑफर, क्योंकि इसको भी जवाब आप ही को देना है। यहां भी क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 10:11 दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। हमें विश्वास है आप वीडियो को पॉज करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और आंसर जरूर बना के दे दीजिएगा, निश्चित रूप से आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने क्लियर किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना था जो थ्योरी क्लास में हम सेक्शन 3 के रूप में नहीं दे पाए थे। आप चाहें तो इसको टाइप 2 के सेक्शन 3 में अपने नोट्स बुक जो आप बनाते जा रहे हैं उसमें शामिल करें। कौन कौन विद्यार्थी हैं जो नोट्स बुक बना रहे हैं, यदि आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें लगे कि हमसे इतना विद्यार्थी प्रभावित है। आप भरोसा रखिए आपका मैथ बहुत बेस्ट होगा। तो सेक्शन 3 के रूप में इसको शामिल कर लेते हैं। बोले क्यों सर, ये तो हम लोग परसेंटेज में भी पढ़े थे कि लाभ के मतलब वैसे भी वृद्धि होता है, हानि के मतलब कमी, और एक ही राशि में एक बार वृद्धि एक बार कमी हो, एक्स वृद्धि एक्स कमी, तो एक्स स्क्वायर बटा 100% कमी, लेकिन लाभ हानि में डबल कंडीशन उत्पन्न हो जाता है, एक बार विक्रयमूल समान और कभी कभी क्रयमूल भी समान, वहां पे धोखा खा के आंसर गलत मार के आ जाते हैं। हम मैक्सिमम सिर्फ ऐसे ही बता देते हैं, स्टूडेंट गलती करके आते हैं, क्योंकि रेयर केस में क्रयमूल समान वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहां देख लीजिए, पहले नोट्स आप लिखते चलिएगा, यदि दो वस्तुओं को बेचने पर पहला से एक्स प्रतिशत लाभ और दूसरा से एक्स प्रतिशत हानि हो, पहला से एक्स प्रतिशत लाभ, लाभ मतलब क्या होता है प्लस, दूसरा से एक्स प्रतिशत हानि मतलब माइनस, या पहला से हानि दूसरा से लाभ, कोई से लाभ कोई से हानि हो सकता है, मतलब कह सकता है दो वस्तुओं को बेचने पर पहला से एक्स प्रतिशत लाभ दूसरा से एक्स प्रतिशत हानि हो, तो दो कंडीशन, पहला पूरे लेनदेन में हमेशा क्या होगा, हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होगी यदि विक्रय मूल्य समान हो। कंडीशन लग गया कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर पहला पर एक्स प्रतिशत लाभ दूसरा पर एक्स प्रतिशत हानि हो, तो पूरे लेनदेन में हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होगी, लेकिन कब, यदि विक्रय मूल्य समान हो, यदि वो बोल दे कि समान मूल्यों पर बेचा जाता है, या बोल दे कि प्रत्येक को 10,000 में 20,000 में बेच रहे हैं, उससे भी पता चल जाएगा कि विक्रय मूल्य समान हो, तो यदि एक्स प्रतिशत लाभ एक्स प्रतिशत हानि, 10 लाभ 10 हानि, 20% लाभ 20% हानि, 25% लाभ 25% हानि, कुछ भी दिया रहे और प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, तो हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होगी। पूरा माइंड में फिट कर लीजिए, हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होगी। दूसरा कंडीशन, पूरे लेनदेन में ना लाभ ना हानि होगी, कब, यदि क्रय मूल्य समान हो, पूरे लेनदेन में ना लाभ ना हानि होगी, कब, यदि क्रय मूल्य समान हो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आगे आने वाले टाइप में भी इसका इस्तेमाल निश्चित रूप से होगा। तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत तो हम पहले सीख ही चुके हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल गया, लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आया
कि दो वस्तु को बेचने पर पहला पर एक्स लाभ, दूसरा पर एक्स हानि या पी लाभ पी हानि, बीस लाभ बीस हानि जो भी दिया रहे, तो पूरे लेन देन में दो कंडीशन है, हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% का हानि घाटा नुकसान होगा जब विक्रय मूल्य बराबर, और हमेशा पूरे लेन देन में ना लाभ ना हानि होगा जब क्रय मूल्य बराबर हो। जब क्रय मूल्य बराबर हो तो लाभ हानि होने की कोई सवाल नहीं। जैसे दो वस्तु को 100 रुपया में खरीदे, एक को 10% हानि 90 में बेच दिए, दूसरा को 10% लाभ 110 में बेच दिए, तो मिला के विक्रय मूल्य भी 110 हो गया। क्लियर हो गया ना लाभ ना हानि। अब याद रहेगा विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि, और जब क्रय मूल्य समान हो तो न लाभ न हानि। कब? जब लाभ हानि दोनों सेम हो तो, परसेंटेज में। आइए एग्जांपल क्लियर करते हैं। कम से कम 3 से 4 एग्जांपल आपको देंगे, शुरू में इजी वाला और कुछ प्रीवियस एग्जांपल जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए, रेलवे में पूछे गए। इग्नोर नहीं करना, स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चन नोट्स करते जाना अपने नोटबुक पे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचता है, पहले पर उसे 20% लाभ जबकि दूसरे पर 20% हानि होती है, तो पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। अब क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 में बेचता है, मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य समान हो गया, पहला को भी बेचा 4000 में, दूसरा को भी 4000 में, हालांकि 4000 से कोई लेना देना है ही नहीं क्योंकि यहां निश्चित राशि नहीं पूछ रहा, सीधा पूछ रहा पूरे लेनदेन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो प्रतिशत के रूप में प्रश्न करे, रेशियो के रूप में प्रश्न करे, तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे ये पता चल गया कि विक्रय मूल्य समान है। बोले कैसे सर? क्योंकि प्रत्येक को 4000 में बेच रहा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 में बेच रहा है। इससे क्या क्लियर हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, और विक्रय मूल्य समान है, पहला पर 20% लाभ, दूसरा पर 20% हानि, पहला पर 20% लाभ, दूसरा पर 20% हानि, तो पूरे लेन देन में निश्चित है हानि ही होगा। कै परसेंट? एक्स स्क्वायर बटा 100, तो 20 स्क्वायर बटा 100, 20 के स्क्वायर 400 बटा 100 करेंगे तो 4% हानि। बोले सर ये तो माइंड में क्लिक कर जाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर। जैसे देखे विक्रय मूल्य समान है, पहला पर एक्स लाभ, दूसरा पर एक्स हानि, पूरे में एक्स स्क्वायर बटा 100% हानि, यानी 20 के स्क्वायर 400 बटा 100, 4% लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ भी विक्रय मूल्य समान है, कितना है विक्रय मूल्य नहीं दिया, यहाँ क्लियर ही लिख दिया कि विक्रय मूल्य समान है, यहाँ दिया था तो पता चल गया था कि विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान है, पहला पर 10% हानि और दूसरा पर 10% लाभ, कोई जरूरी नहीं कि पहले लाभ बाद में हानि, कोई भी पहले या बाद रह सकता है। तो बोल रहा पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि, तो बोले सर दिक्कत क्या है, विक्रय मूल्य समान है, एक्स स्क्वायर बटा 100% कर दो, 10 के स्क्वायर बटा 100, 10 के स्क्वायर 100 बटा 100, यानी 1% की हानि हो गई। नो डॉट, क्लियर हुआ? अब आप कभी नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन से डरिएगा, लेकिन इस प्रकार में बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछता है, इसलिए 2 से 3 एग्जांपल और देखना आपको बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल के रूप में, चूंकि हम लोग जो थ्योरी क्लास था उसमें टॉप 2 में सेक्शन 3 नहीं देखे थे, इसलिए मैंने बोला इसको सेक्शन 3 बना लो। मैं बिल्कुल स्टूडेंट स्तर पे सोच के देखता हूं कि कहां पे आपको परेशानी हो सकती है, और हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाता हूं। अब आप लोग में से बहुत सारे विद्यार्थी भले ये सोचते होंगे सर अपने मन से क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखिए, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, यदि पहले को 15% लाभ जबकि दूसरे को 15% हानि पर बेच देता है, तो पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो बोले सर सीधे आंसर लिख दीजिए, ना लाभ ना हानि, ऑप्शन में दिया रहेगा ना लाभ ना हानि। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सीधे देखते हैं 15% लाभ, ये भी 15 ही है, 15% लाभ 15% हानि, अब 15 के स्क्वायर बटा 100 करते हैं, 225/100 2.25% हानि वाला जो ऑप्शन रहता है उसको मार देते हैं और गलत हो जाता है, और आके यहाँ टीचर से बोलते हैं हम सही बनाए हैं सर, क्योंकि उनके माइंड में सीधे रहता है वृद्धि कमी हो रहा है, 1 स्क्वायर बटा 100% आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना होता है कि क्रय मूल्य समान हो,
विक्रय मूल्य समान हो तब 100% की हमेशा हानि, लेकिन क्रय मूल्य समान हो तब न लाभ न हानि, वो वाला आंसर मानिए। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में खरीदता है, इससे ये पता चला कि क्रय मूल्य 12,000 है, लेकिन यहाँ 12,000 से कोई लेना देना नहीं है, बस ये पता चल गया कि दोनों का क्रय मूल्य समान है, पहला पर 20% लाभ, दूसरा पर 20% हानि, तो पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि, तो यहाँ भी होगा न लाभ न हानि। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12,000 तो है लेकिन दोनों का क्रय मूल्य समान है। यदि विक्रय मूल्य समान होता तो 20² / 100 कर देते, 4% की हानि, जैसा कि पीछे बताया भी। तो क्लियर हुआ, विक्रय मूल्य समान हो तो 100² / 100% हानि, दो एग्जाम्पल देख लिए इसके पहले, क्रय मूल्य समान हो तो न लाभ न हानि, दो एग्जाम्पल देख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भी 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 धसो भी इस बार लिख के आई लिखिए तो कम है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें नहीं मिलेगा, कोई ऐसा प्रीवियस नहीं है SSC रेलवे किसी का भी जिसमें ये दोनों क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, इसलिए गांठ बांध लो, आपको अभी तुरंत सॉल्यूशन में भी मिल जाएगा, ये दोनों आपके माइंड में फिट होना चाहिए। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया, इससे पता चला कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, पहला का विक्रय मूल्य है 12,000, दूसरा का भी विक्रय मूल्य है 12,000 ही, पहला का विक्रय मूल्य 12,000, दूसरा का भी विक्रय मूल्य कितना 12,000, विक्रय मूल्य सेम हो गया, पहले पर 20% लाभ जबकि दूसरे पर 20% हानि, तो पूरे लेन देन में कितने रुपये की लाभ अथवा हानि, यहीं पर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बोलिया कि सर प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और पहला पर 20% लाभ और दूसरा पर 20% हानि, तो पूरे पर 20² / 100 400/100 4% की हानि होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आंसर मार के निकल जाएंगे और परसेंटेज में दिया हुआ भी रहेगा, लेकिन आप पूछ रहा कितने रुपये की, परसेंटेज उसको नहीं चाहिए, रुपया चाहिए, तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, क्लियर यहां पर कर लेते हैं। देखिए 12,000 पहला का विक्रय मूल्य, दूसरा का विक्रय मूल्य 12,000, दोनों मिला के कितना में बिका भैया, तो 24,000 में बिका, कितना में 24,000 में, 24,000 में, तो पूरे दोनों मिला के पूरा विक्रय मूल्य 24,000 और यहाँ पूरे पर 4% की हानि हुई, पूरा विक्रय मूल्य 24,000 पूरे पर 4% की हानि, तो 24,000 की तुलना 96 से, पहला टॉप पे आप क्या पढ़े हैं, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के तुलना, हानि हो रहा है तो 100 में घटा के तुलना, क्लियर हुआ, तो पूरे पर 4% हानि और पूरा विक्रय मूल्य 24,000 और हानि की राशि पूछ रहा है कितना रुपया, तो बोले सर 4% हानि, 4 से गुणा, रेशियो का यही तो मेथड है कमाल का जो दिया हुआ है, तुलना जो ज्ञात करना है, गुणा 24,000 टोटल विक्रय मूल्य, 4% हानि पर, तो 96 तुलना, हानि की राशि 4 से गुणा, काटेंगे 24 6 96, 24 से कटेगा 1,000 बार में, यानी कि ये जो हम लोग से क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया जा रहा कि कितने रुपये का लाभ अथवा हानि, तो ये तो कन्फर्म है कि हानि होगा, लेकिन कई रुपये का, 1,000 रुपये का हानि, क्लियर हो गया, 1,000 रुपये का हानि, इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार आपको जरूर बनाना, क्लियर। नेक्स्ट देखता हूं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी VVI है, SSC CGL में 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, सभी बुक में मिलेगा आपको, रेलवे में भी पूछा गया है, एक व्यक्ति एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 1,00,000 रुपया में बेचकर क्रमशः मतलब पहला पर 20% लाभ मतलब मकान पर और दुकान पर 20% हानि, तो पूरे लेन देन में क्या होगा, तो बोले सर फिर तो वही है, एक मकान है और एक दुकान है, दोनों का विक्रय मूल्य 1,00,000 है, इसका भी 1,00,000, मिला के 2,00,000, यानी विक्रय मूल्य सेम हो गया, पहला पर क्या हो रहा है तो 20% लाभ, दूसरा पर क्या हो रहा है 20% हानि, तो ये तो कंफर्म हो गया कि पूरे लेन देन में हानि होगा, कई परसेंट, तब बोलिए सर 4%, बार बार कितना निकालते रहे हैं, 20² / 400/100, यदि परसेंट पूछता तो आंसर के लिए, लेकिन पूछ रहा है कितने रुपये, यहाँ देख लीजिए कितने रुपये की लाभ अथवा हानि, तब बोलिए सर फिर तुलना गुना करेंगे, 1 रुपया मकान, 1,00,000 रुपया मकान का विक्रय मूल्य, 1,00,000 रुपया दुकान का विक्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य 2,00,000 रुपया, और दोनों मिला के पूरे लेन देन में 4% की हानि, तो 2,00,000 वैसे ही रहने दीजिए, मैक्सिमम में ऑप्शन देता है भिन्न के रूप में,
या तो आप चाहें तो दोपहर पास सुनना दे सकते हैं, यदि ऑप्शन दे राउंड फिगर के रूप में तो 2 लाख की तुलना कितना से 96 से, क्योंकि 1 लाख पहला का 1 लाख दूसरा का, पूरे का विक्रय मूल 2 लाख, आप विक्रय मूल मतलब बेचने पर पूरे पर 4% हानि, तो फिर 96 से वही वाला। और यदि क्रय मूल पूछता तो 100 से करते, लेकिन पूछ रहा है हानि की राशि कितने रुपए की हानि, तो 4 से। बोले सर 4 से काटेंगे 24 96, 2 से 2 का 2 12 2 24, आंसर डायरेक्ट ऐसे करके ही लिखता 1/12 लाख हानि, 1/12 लाख हानि। आप चाहें तो 1 लाख 1/5 दे के 12 से भाग दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आंसर चूंकि पूरा हो कटेगा भी नहीं, ऐसे ही देता है 1/12 लाख रुपए की हानि। तो रुपया में किस प्रकार से निकाला है दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, हानि प्रतिशत निकालिए, तुलना गुना कर दिए, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, हानि की राशि निकालना हानि से, दोनों एकदम सेम क्वेश्चन और दोनों इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के बाद ये दोनों क्वेश्चन भूलना नहीं है, पूरा का पूरा 6 एग्जांपल दिया मैंने, इसको सेक्शन 3 में नोट करना है, 6 एग्जांपल को भी नोट करना है और 2-2 3-3 बार बनाना है। अब देखते हैं फटाफट, हम लोग 5 तक सॉल्यूशन हो चुका है, आगे देखते हैं तुरंत अब समाप्त होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट, कुछ ऑफर के लिए भी तैयार ही रहिएगा, मैक्सिमम आप जितना बनाइएगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक व्यक्ति 2 मेज समान कीमत पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य सेम हो गया, पहला पर 10% का लाभ, पहला पर 10% लाभ, दूसरा पर 10% हानि, तो बोल रहा है कुल लाभ या हानि। तो बोले सर अभी तो आप बताए x²/100 यानी 10^2/100, 100 से 100 कटेगा, 1% हानि, इसमें और ज्यादा क्या सोचना है। क्वेश्चन देखते ही माइंड में आंसर क्लिक करेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सुपर फास्ट निश्चित रूप से सॉल्यूशन होगा, 1% हानि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 में बेचा, पहला को भी 7400 में, दूसरा को भी 7400 में, इससे पता चल गया कि विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, उसे पहला पर 20% लाभ, दूसरा पर 20% हानि, तो बोल रहा है पूरे सौदे में, तो बोले सर पूरे सौदे में हानि होगा क्योंकि विक्रय मूल्य समान है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, 20^2/100, 400/100 काटेंगे, 4% हानि हो गया भाई, 4% हानि, क्लियर हो गया, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखते ही देखते हम लोग 33 तक पहुंच जाएंगे। राम ने 2 गाय प्रत्येक 30-80 रुपये में बेची, एक गाय पर 12% की हानि, दूसरे पर 12% का लाभ, तो यहाँ भी विक्रय मूल्य समान ही है, और पहला पर 12% हानि, दूसरा पर 12% लाभ, तो पूरे पर 12^2/100 यानी 144/100, 100 से भाग देना है, 1 अंक के बाद दशमलव यानी 1.44% क्या हो जाएगा, तो बोलिए सर हानि हो जाएगा, तो 1.44% हानि, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, अंडा बेचने की बात आ गई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपया में 3 के भाव से खरीदता है, आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाता है, तो वह 10% लाभ कमाने के लिए अंडा किस दर से बेचे, मतलब प्रति अंडा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, समझिएगा, सब तरह के क्वेश्चन में इंक्लूड किया हूं हर टाइप में। एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडा खरीदता है, 6 दर्जन, तो बोले सर 6 दर्जन को हम 6×12 यानी 72 अंडे उसने खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा, तो बोल रहा है क्या 1 रुपया में 3 के भाव से, तो 72 अंडा 1 रुपया में 3 रुपया, ऊपर संख्या नीचे, 1 रुपया में 3 मतलब 1 अंडा का दाम 1/3, तो 72 अंडा का दाम 72×1/3 काटेंगे, 24 × 72 यानी हम कह सकते हैं क्रय मूल्य उसका हो गया 24 रुपया, आपका लागत हो गया 24 रुपया, आपने अंडा खरीद लिया, अब लाते समय वो टूट जाए, फूट जाए, बिखर जाए, सड़ जाए, कुछ हो जाए, आपका क्रय मूल्य तो 24 रहेगा, टूटने या बर्बाद होने या सड़ने से क्रय मूल्य नहीं बदलता है, क्रय मूल्य नहीं चेंज हो सकता है, विक्रय मूल्य आइए, अब यहां से हम लोग विक्रय मूल्य निकालना है,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अंडा को कितने दर से बेचे कि 10% लाभ हो। बोलिया कि सर जी क्राइमूल 24 है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो 24 की तुलना 100 से 10% लाभ चाहिए तो 110 से। लेकिन लेकिन क्या हुआ, उसके पास 72 अंडे थे और ले जाते समय उसका दिक्कत हुआ कि आधे दर्जन अंडे टूट गए। आधे दर्जन अंडा मतलब कितना हो गए, टूट गए। आधे दर्जन 6 होगा, 6 अंडे, तो 6 अंडे टूट गए तो बचे कितने अंडे, तो 72 में 6 टूट गए तो बचे 66। अब बेचिएगा 66 गुना टूटा हुआ अंडा तो लेगा नहीं कटपिस के भाव से, वो तो लेगा नहीं। अब उसका आप घर में जाके बाल बच्चे मिल के आमलेट पोच बना के खा लो कुछ भी, ठीक है ना, लेकिन वो बर्बाद हो गया, वो बिक्री में नहीं है। तो मेनली रूप से बिक्री में 66 अंडा है और आपको बोल रहा है अंडे को किस दर से बेचेगा, मतलब प्रत्येक अंडा का विक्रय मूल्य तो 66 से भाग देना पड़ेगा। क्लियर हुआ, फिर से दोहराते हैं, 6 दर्जन अंडा 72 को खरीदे ले जाने में 6 अंडा टूट गया 66 बचा, लेकिन आप खरीदे हैं 72 को 1 रुपया में 3 के भाव से, तो 72 गुना 1 बटा 3 24 आपका क्रय मूल्य होगा। अब रेशियो के नियम से क्रय मूल्य 100% होता है 100 से तुलना, 10% लाभ चाहिए तो आपको लाभ तो क्रय मूल्य पर ही जोड़ना पड़ेगा, तो 10% 110 से, लेकिन प्रत्येक अंडा का चाहिए विक्रय मूल्य तो 66 से भाग, क्योंकि 6 अंडा टूट चुका है। अब फल रहे अंडा रहे सड़ जाए जो भी हो जाए, अब आपसे नहीं छूटेगा ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए काटेंगे 100 से 100 11 6 66 6 4 24 4 और नीचे 10 4/10 को 0.4 रुपया लिख सकते हैं या इसी को हम 40 पैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला किस दर से अंडा को बेचेगा, तो 40 पैसे ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर आपका है सी। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, 9 तो बता ही दिया अंडा वाला, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10। जरा ध्यान दीजिएगा, करा सूरज एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीदा, 800 रुपया मरम्मत में खर्च किया, एग्जाम्पल ये बताए थे, तो उसका टोटल जो लागत हो गया वही क्रय मूल्य हो गया, कितना 4500 में खरीदा प्लस 4700 में खरीदा है, 4700 में 800 रुपया मरम्मत में खर्च किया, टोटल लागत हो गया 5500 रुपया। आप विक्रय मूल्य कितना बता रहा है उसका, तो बोले सर ये विक्रय मूल्य बता रहा है कितना में, 5800 रुपया में, कितना 58, 5500 में खरीदा 5800 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ हो रहा है 300, क्रय मूल्य 5500 गुना 100, काटो 200 5 से काटो 11 55 भी 2500, बेच दिया 60/11 काटेंगे 11 55 बचेगा शेष 5, तो 5 ऊपर 11 नीचे, हम लोग का आंसर हो गया कि उसका लाभ जो होगा 5.5/11%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, रुपयों पर संख्या नीचे, सेक्शन बाय सेक्शन बताए, 11 सेब 10 रुपये में खरीदे, खरीदे मतलब क्रय मूल्य 10 रुपये में, 11 सेब 10 रुपये में, तो रुपयों पर संख्या नीचे, और बेचे कैसे, तो बोल रहा है बेचे 10 सेब 11 रुपये में, तो 11 ऊपर 10 नीचे, रेशियो निकाल लेते हैं 10 10 गुना 10 100, 11 गुना 11 121। तो बोले सर ये तो देखते ही पता चल रहा है कि 21% लाभ होगा। बोले क्यों सर, क्योंकि लाभ हानि की गणना वैसे भी क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100 है, तो 100 से 21 ज्यादा तो 21% लाभ हो गया, कम रहता तो हानि हो जाता, अरे तो जानते ही है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, कैसे भी करो 21%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, एक व्यक्ति 4 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदा, 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, रुपयों पर संख्या नीचे, 4 रुपया में 6 की दर से खरीदा, तो क्रय मूल्य 4/6, विक्रय मूल्य 6 रुपया में 4 की दर से बेचा 6/4, एग्जाम्पल भी बताया थे पिछला क्लास में, सीधा रुपया पर संख्या नीचे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए और कुछ नहीं, तो काटना है काटो 2 2 4 3 2 6, इसको भी काटना है काटो 3 2 6 2 2 4, इधर 3 6 2 2 4 3 3 9, 4 से 9 हो गया, कितना लाभ होगा, तो बोलिए सर 5 लाभ, लाभ बटा क्रय मूल्य है 4 और गुना 100,
लाख प्रतिशत लाभ बटा क्रमिक गुना सौ, चार से पच्चीस चौका सौ, पच्चीस पचे 125%, जबरदस्त लाभ हुआ है 125%। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। एक लड़का ने 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदे, खरीदना मतलब क्रय मूल्य होता है भाई, रुपया पर संख्या नीचे 16 रुपया में 18, और बेचे कैसे, तो बोल रहा है बेचे हैं आपका 20 रुपया में 22, तो 20/22 कट रहा है, काटो 8 × 16 9 × 18 10 × 20 11 × 22 ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, 4 × 8 5 × 10 क्लियर हो गया। अब इधर हो जाएगा 11 × 44 इधर हो जाएगा 9 × 5 = 45 मेन रेशियो हो गया 44:45, माने क्रय मूल्य 44 विक्रय मूल्य 45, निश्चित है लाभ होगा, और लाभ कितना होगा 44 से 45 एक लाभ होगा, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना सौ, काटेंगे 44 × 25 = 100 25/11 तो 11 × 22 बचा 3, तो 3 ऊपर 11 नीचे, पूर्णांक में आ गया 2/3/11 प्रतिशत कौची लाभ, तो पूर्णांक में आए दशमलव में आए डरने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे 2/3/11% ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, और 14 रहा आपके लिए ऑफर धमाका, 25 रुपया में 10 की दर से 25/10 और 25 रुपया में 9 की दर से 25/9 काट छाट के लिए प्राइड करके लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको आंसर देना है। 3-4 क्वेश्चन बताने के बाद मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं, इसलिए चूकना नहीं, ये सब ऑफर चूक गए तो सब दिन डरते रहोगे मैथ से, आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लगातार डबल धमाका ऑफर, 10 रुपया में 5 की दर से खरीदा, 15 रुपया में 6 की दर से बेचा, रुपया ऊपर संख्या नीचे रेशियो निकालो, लाभ हो रहा है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना सौ, हानि हो रहा है हानि बटा क्रय मूल्य गुना सौ, इतना देर में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको बनाना ज्यादा जरूरी है हमसे भी, तो इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और ये भी मिलेगा ऑफर धमाका, यानी 14, 15, 16 3-3 लगातार ऑफर पहली बार मिला है, इग्नोर नहीं करना, यहां भी रुपया ऊपर संख्या नीचे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना सौ, हानि होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुना सौ, वीडियो को पॉज करें, तीनों का आंसर जरूर दें, रेगुलर 3 धमाका ऑफर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 17 मैं बताता हूं आपसे, वैसे बन जाएगा लेकिन ज्यादा ऑफर दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। देखिए, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूं, क्रय मूल्य आ जाएगी, 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूं, 10 पुस्तकें 110 में बेचता हूं, तो 100 रुपया में, तो 100 ऊपर 11 नीचे क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य आ जाओ, 110 पुस्तकें 110 रुपया में बेच देता हूं, क्वेश्चन कितना भी घुमाया रहे एक ही पॉइंट तो माइंड में है कि रुपया ऊपर संख्या नीचे, चाहे तो जिधर रुपया जिधर संख्या दिया रहे, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो, 110 पुस्तक 110 रुपया में, तो 110 ऊपर 10 नीचे, अब काट देता हूं, ये कट गया इधर, इधर गुना होगा 100 × 100 11 × 11 होगा 121, बोले फिर तो आंसर आ गया, इसी से 21% लाभ हो गया, क्योंकि 100 पर तो प्रतिशत की गणना किया जाता है, आंसर हो गया 21% लाभ, ऑप्शन नंबर डी। कितना फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है यदि आपके अंदर कॉन्सेप्ट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है 18-19, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूं, लगातार सभी क्षेत्र में मैं खुद जानबूझ के मेहनत कर रहा हूं, मैथ्स रीजनिंग GK GS साइंस बेसिक स्टार्ट हो गया है, तो इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि आप प्लीज दवा के शेयर करिए, सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए, हर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के पास इस संदेश को पहुंचाइए कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है जहां संपूर्ण तैयारी हमेशा के लिए बिल्कुल फ्री में PDF के साथ कराया जाएगा, बस आप सिलेक्शन लीजिएगा और निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिल जाएगी, हमें बहुत खुशी मिलेगी, तो प्लीज शेयर करिए। आइए 18-19 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बड़ा फंसते हैं विद्यार्थी, कहता है
एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है, यदि उसे दुगने मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए कितना मजेदार है, कुछ नहीं बोला है, कोई राशि नहीं दिया है, सीधे बोला पहले 20% लाभ पर बेचता है, यदि दुगना पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। तो जैसे ही बोला 20% लाभ पर बेचता है तो इतना से हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि सर किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि हम 100 माने तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर व्यक्ति को 20% लाभ होता है, कोई मूल्य पर बेचे वो पहले खरीदा होगा, क्रय मूल्य अपने आप में कई परसेंट होता है 100%, 20% लाभ पर बेच रहा है 120, लेकिन यहाँ पे कह देता है यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे, मतलब पहला विक्रय मूल्य से दुगना मूल्य पर बेचना चाहिए, दुगना मूल्य पर बेचने का मतलब कॉमन सेंस लगाए जितना में बेचा है उससे दुगना पर, तो 120 में बेचा है, अब इसको दुगना करेंगे तो 120 के दुगना 240, अब बताइए कै परसेंट लाभ होगा। बोलिए सर भले ही विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया लेकिन क्रय मूल्य तो यही 100 है ना, और क्रय मूल्य पर ही तो लाभ हानि की गणना होती है, तो 100 में खरीदेगा और 240 में अब बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर 140% हो जाएगा, और नहीं तो 140/100 × 100 करो ना। ऐसे भी लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है, क्रय मूल्य 100 होता ही है, इस 100 × 240 तो कितना परसेंट लाभ, 140%। सोचे कितना आसान से हो गया, क्रय मूल्य 100 माने 120 में बेचा 20% लाभ पर, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया 240, अब कै परसेंट लाभ। तो बोले सर 100 क्रय मूल्य तो 100 ही रहेगा, 240 विक्रय मूल्य हो गया, हो गया आंसर 140% लाभ। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर भी जरूर 2-3 बार बना लीजिएगा, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी और ये सब क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, बड़ा अफसोस होता है। ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं तो भी ठीक ही रहेगा, लेकिन चलो बता ही देता हूं। एक व्यक्ति को किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ, एकदम सेम क्वेश्चन 18 जैसा, क्रय मूल्य 100, पहला विक्रय मूल्य 110, देखिए 110, यदि वह उस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचे, दूसरा विक्रय मूल्य जस्ट इसका दुगना, 110 के दुगना कितना 220, तो सोचिए 100 में खरीदे अब 220 में बेचे तो कई परसेंट लाभ, 120% लाभ। क्लियर हो गया, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अब देखने में तो कहानी जैसा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार अंडा वाला क्वेश्चन जैसा। एक दुकानदार ने 10 रुपया के हिसाब से 200 बल्ब खरीदे, 5 बल्ब फ्यूज हो गए और फेंक देने पड़े, शेष में से प्रत्येक को 12 रुपए की दर से बेचे तो लाभ प्रतिशत। बोले ना क्वेश्चन कितनों बड़ा रहे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें रेशियो चाहिए यदि लाभ हानि प्रतिशत पूछ रहा है। 10 रुपया के हिसाब से 200 बल्ब खरीदे तो एक बल्ब के दाम 10 रुपया, 10 रुपये के हिसाब से मतलब एक बल्ब का दाम 10 रुपया, 200 बल्ब खरीदे, 200 × 10 उसका क्रय मूल्य हो गया 2000, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ले जाते समय यह लगाया तो 5 बल्ब फ्यूज हो गए, तो फ्यूज हो गया तो आपका गया, ठीक है ना, वैसे गारंटी वारंटी अब देता होगा लेकिन जनरली यहाँ पे फ्यूज हो गए तो गया, अब आपका बचा 195 तो बेचिएगा 195 में ही, इसको 12 रुपये से बेच दिए तो 12×5=60 के 0, बचा कितना 6, 12×9=108 है, 6×14=4 बचा कितना, तो बोलेगा कि सर 11, 12 × 11 कितना होगा, तो बोले सर 23 होगा, फिर से 12×60=0 बचा, 6×9=108, 6×14=4 बचा 11, 12×12=23, यानी टोटल क्रय मूल्य टोटल लागत 2000 और टोटल विक्रय मूल्य आया 2340। बोले सर निश्चित है लाभ होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 2000 में खरीदे 2340 में बेचे 340 लाभ, और बटा 2000 गुना 100 काटो फटाफट, 3×0=3 उड़ गया, 17×2=34, यानी बल्ब पर उसको बेचने पर टोटल कितना परसेंट लाभ, तो 17%, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए क्वेश्चन बल्ब बेचिए अंडा बेचिए कुछ भी बेचिए, हमें तो चाहिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हर हाल में कैसे भी निकल जाए, तो 17% ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कंसेप्ट में जो भी समय लग जाए प्रॉब्लम बनाने में समय नहीं लगता, बिल्कुल उड़ जाता है, एकदम सेम क्वेश्चन पीछे बताया जैसा।
एक गाय जो सेक्शन थ्री में बता रहा था, लास्ट में एग्जाम्पल बताया था, पांचवा क्वेश्चन, एक गाय एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। गाय और घोड़े प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है भाई, क्लियर। पहला पर यानी गाय पर 20% लाभ, घोड़ा पर 20% हानि, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक पर लाभ एक पर हानि, तो पूरे पर 4% हानि आ जाएगा। यदि परसेंट पूछता तो आंसर आ गया चकाचक। अब देखिए पूछ रहा पूरे लेन देन में उसे क्या मिला, ऑप्शन में परसेंट नहीं दिया हुआ, रुपया दिया हुआ, तो बताए थे स्पेशल स्पेशल सेम क्वेश्चन बताए थे, बोले ऐसा रुपया निकालना है तो 12,000 टोटल विक्रय मूल्य 24,000 और पूरे पर 4% हानि, तो 96 से तुलना करेंगे और हानि का राशि निकालना है ऑप्शन के अनुसार, तो 4 से 24 चौका 96, 24 से 24,000 1,000 बार में कटेगा, 1,000 रुपये की हानि। सोचिए यही क्वेश्चन दो बार यहाँ दोहरा गया, अब तो सीधे माइंड में बैठ ही गया होगा, तो ऑप्शन नंबर 1,000 रुपये की हानि होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बड़ा ही मजेदार है, ऐसा एग्जाम्पल भी मैं लिखाया था, बस थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर सकता है। एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, खरीदता है मतलब क्रय मूल्य, ₹P प्रति दर्जन, तो रुपया ऊपर और संख्या नीचे, प्रति दर्जन, दर्जन मतलब कई गो, 12 गो, आप जानते होंगे एक दर्जन में 12 वस्तु रहता, तो ₹P प्रति दर्जन, ₹P में 12 गो, तो P/12। और विक्रय मूल्य बेचता कैसे है, ₹P में 8, P/8 रुपया प्रति वस्तु से बेच देता, तो P/8 यहाँ ऑलरेडी लिखिए दिया, या ₹P में 8 लिखता तो भी P/8 लिखते। अब काट देते हैं, पी से पी कैंसिल, 4 से 4 13, 4 दुनिया 8, 2 इधर आएगा 3 इधर, यानी 2:3 क्रम, देखिए ना 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा था ना, यहाँ पी काटे थे एक एक बार में, 2 × 2 3 × 3 क्रय मूल्य 2 विक्रय मूल्य 3। बोले सर क्लियर हुआ, लाभ लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 1 क्रय मूल्य 2 गुना 100, 2 से काटेंगे 50% का लाभ हो गया, चकाचक लाभ है, पूरे का पूरे 50%, क्लियर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 23, 10 क्वेश्चन आ रहे जो फटाफट उड़ जाएगा कुछ ऑफर के साथ भी। एक आदमी ने एक रेडियो 800 रुपए में खरीदा, 400 रुपए अतिरिक्त खर्च किया, उसका टोटल लागत या क्रय मूल्य हो गया 1200, अब बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 1500 में, तो बोल रहा है बताओ उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये क्वेश्चन इतना करके आपके लिए ऑफर छोड़ रहा हूँ, आंसर कमेंट में जरूर छोड़ दीजिएगा, बड़ा विश्वास रहता है कि आप आंसर जरूर दीजिएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रेशियो का कमाल देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत। बोलिए सर हमें हर हाल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए, और ये बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। रेशियो का नियम है कि अनुपात पर कट करते समय ध्यान देना है, जिसमें का अथवा से लगा रहे वो हर और दूसरा अंश, तो क्रय मूल्य में का लगा, तो क्रय मूल्य 5 विक्रय मूल्य 8, 5 में खरीदे 8 में बेचे, लाभ क्या होगा, तो बोले सर लाभ 3 होगा, क्रय मूल्य 5 गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 20 × 25 100, 20 × 3 = 60%, कितना लाभ होगा 60%, तो 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हूबहू 24 है, यहाँ विक्रय मूल्य का 5/7 है, जिसमें का लगा रहा है नीचे वाला दूसरा ऊपर वाला, रेशियो निकाल के आपको इसका आंसर जरूर कमेंट कर देना है, मुझे भरोसा आप आंसर जरूर दीजिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 भी डबल ऑफर धमाका, यहाँ भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो 4/3 निकल जाएगा, आप पूर्णांक में आंसर दिया है, डरने की कोई बात नहीं है, आप इसका भी आंसर दीजिएगा, मुझे विश्वास है, विश्वास करते हैं तो उसको तोड़ना नहीं है, सभी को नीचे में जाके कमेंट में आंसर देना, तब आपको मजा आएगा कि आप घर पे होम ट्यूशन पढ़ रहे हो, नहीं तो सिर्फ हम करेंगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन देखिएगा, नेहा ने प्रत्येक 4500 रुपए की दर से DVD प्लेयर के 15 नग खरीदे,
उसने ये सब 81,000 रुपए में बेच दिए तो कितने परसेंट लाभ? बोले सर हर हाल में तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही चाहिए, डीवीडी खरीदे या मोटर कार खरीदे, प्रत्येक 4500 रुपए की दर से, मतलब एक का दाम 4500 है और 15 को खरीदा है तो 4500 × 15 और बेचा कितना में? 81,000 में। या तो आप इसको गुना कर दीजिए या आप चाहें तो दोनों को काट भी सकते हैं, क्योंकि रेशियो है, काटने के लिए स्वतंत्र हैं। तो बोले सर 200 से 200 कट गया इसमें, नो डॉट, 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81, 5 × 15 = 15, 6 × 90, यानी फाइनली बचा 5 × 5 = 6, 5 × 6 = 6, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य काट के छोटा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कट रहा है तो खरीदे 5 में बेचे 6 में, निश्चित है लाभ होगा, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, कितना लाभ? 1/5 × 100 काट के आ गया कितना परसेंट? 20%, यानी लाभ जो कमाया 20% नेहा ने लाभ कमाया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 ऑफर धमाका, ये तो पहला नंबर ही क्वेश्चन है। रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदा, कुछ भी खरीदो भाई, बेच रहा है 800 रुपया में, लाभ प्रतिशत बताना है और जरूर बताना है, निश्चित रूप से वीडियो पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, आंसर दे डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, तो बहुत छोटा लेकिन कंफ्यूज कर सकता है। 70 रुपया पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब 70 रुपया पर मतलब 70 रुपया क्रय मूल्य है, यानी हम ऐसे इसको कह सकते हैं समझने के लिए कि 70 रुपया क्रय मूल्य है और उसका लाभ है 70 पैसे, तो बोला लाभ प्रतिशत, बोले सर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, 70 पैसे 70 रुपया, रुपया को भी पैसा बदल दो और गुना 100 काट दो, 100 से 100 और 70 से 70 एक बार में, यानी कई परसेंट लाभ हुआ भाई? तो 1% लाभ हो गया और 1% है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल लास्ट होने वाला है। शंकर बाबू ने 7200 रुपया लगाकर पेपर खरीदा, खरीदारी के दौरान 200 रुपया ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, 600 रुपया लगाकर 330 बक्से बनवाए एवं प्रत्येक बक्से को 28 रुपये प्रति बक्सा बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ? बोलिए सर टोटल क्रय मूल्य या टोटल लागत पहले लिख दो, 7200 रुपया खरीदने में लगाया, ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया 200 रुपया और 600 रुपया और लगा के टोटल बॉक्स कितना बनवा दिया 333 और प्रत्येक को बेच दिया 28 रुपया में, तो बोले सर विक्रय मूल्य हो जाएगा 333 में 330 है, 330 × 28, ये 333 काम आ गया यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालने में, क्योंकि प्रत्येक को 28 में बेचा, तो बोले सर दिक्कत क्या है, जोड़ दो 72 × 2 = 74 और 600 यानी 8000 यानी 8000, यहाँ गुना कर देते हैं 0, 28 × 84 = 4 बचा कितना, तो बोलिए सर बच गया 8, फिर 28 × 84 = 8 कितना होगा, तो बोलिए 84 × 8 हो जाएगा 92। क्लियर, आपकी मर्जी है, आप काटना चाहे तो काटे, नहीं काटना चाहे तो यहीं पे निकालिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, चलो काट ही देता हूं 100, अब बच गया 800, ये बच गया 924, कितना लाभ 124 और बटा 800 गुना 100, काट दो फटाफट, हम लोग का आंसर आ जाएगा, काटते हैं इसको, ओ कितना बोल क्या रहा है, दर से बेच दिया तो प्रतिशत लाभ, वो प्रतिशत लाभ ही तो पूछा, 2 × 0 = 2, अब 8 से तो कट नहीं रहा, 4 से काट देते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 2 से काटेंगे 15.1/2%, यानी 15.5% यहाँ पे लाभ होगा, जो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, सीधा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, 15.5% है, हमने कुछ नहीं किया, क्रय मूल्य अलग विक्रय मूल्य अलग, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आ जाओ, एक दुकानदार ने 70 kg आलू 420 में खरीदा, खरीद कर 6.5 रुपये बेच दिया तो प्रतिशत आप? बोले सर दिक्कत क्या है, क्रय मूल्य तो 1 kg का ऐसे ही पता चल रहा है, 420 रुपया में 70 kg, रुपया ऊपर संख्या नीचे, और प्रति केजी का दिया हुआ डायरेक्ट है 6.5 रुपया, बोले सर 7 × 42, 6 बार में 0 0 करके 6 बार में कट ही गया, तो 6 हो गया क्रय मूल्य, 6.5 हो गया विक्रय मूल्य,
यहीं पर तो पता चल गया लाभ 50 पैसा, तो 0.50 बटा क्रय मूल 6 और गुना 100, कितना आसान है, काट दो पॉइंट से तो ये कट ही गया, 2 से 25 दूनी 3 दूनी 25/3 8 3 24 बचेगा 1, यानी हम कह सकते हैं 8.1/3% का लाभ होगा, जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए ऑफर ही रहेगा, लेकिन चलो लास्ट में बता देता हूं, अंत भला तो सब भला, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन और है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो बोलिए सर क्रय मूल्य में का लग गया, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेता हूं, कितना 4/3, तो क्रय मूल्य में का लगा, तो क्रय मूल्य 3 जिसमें का लगता है नीचे वाला, विक्रय मूल्य 4, ये तो ऐसे ही पता चल गया सर लाभ होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 1/3 और गुना 100, काटेंगे 33.1/3%, क्लियर हुआ, ऑप्शन मिला लो, 33.1/3 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 अंतिम क्वेश्चन आज के क्लास का मजेदार क्वेश्चन, मैं आपको बता देना चाहूंगा फिर से कि जो नए विद्यार्थी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और दबा के शेयर करिए 10-20 मित्रों के यहाँ डेली शेयर किया कीजिए, तभी ये आपका अपना क्लास आगे बढ़ेगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन पाएगा, और लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, बहुत ही मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ कि ये क्लास आपका कैसा लगा, क्या आपने इस तरीका से लाभ हानि कहीं पढ़ा है, क्या इतना आसान बनाए जाने का प्रयास क्या है, बार बार एग्जाम्पल देखे अपना एक्सपीरियंस जरूर रखिएगा। बड़ा मजेदार है, विक्रेता ने 100 संतरे 350 में खरीद कर, तो बोले सर क्रय मूल्य तो सीधा हो गया, 350 रुपया में 100 संतरा खरीदा है और बेचा है 48 रुपये प्रति दर्जन, तो 48 ऊपर और 1 दर्जन नीचे, एक ही फॉर्मूला रुपया ऊपर संख्या नीचे, काटेंगे तो ये कट गया 0.75 35 2 5 10, काटेंगे तो ये नीचे से 2 6 12 8 6 48, यानी इधर बचा 7 इधर बचा 8, टोटल काट छाट के आ गया 7:8। अब हमें पूछ रहा बताओ लाभ प्रतिशत, तो बोले सर लाभ 7 से 8 हो गया तो 1 लाभ हुआ, क्रय मूल्य 7 गुना 100 यानी 100/7। अब ऑप्शन मिलाओ, क्या 100/7 दिया है, ऐसे भी दे सकता है, नहीं दिया है तो 14/97 होता है, बचेगा 2, यानी निश्चित है लाभ हो गया 14.2/7, लेकिन 2 ऑप्शन में 14.2/7 है, लेकिन हम लोग को हो क्या रहा है, तो बोले सर हम लोग को तो सीधा लाभ हो रहा है, तो लाभ वाला मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्लियर हुआ। तो आपने देखा 33 क्वेश्चन बनाने में कुछ समय नहीं लगा, जो समय लगा आपको जो सेक्शन 3 वाला 6 एग्जाम्पल दिए, समझिए 33 से 39 क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हुआ, पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। निश्चित रूप से अब आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप चाहेंगे दूसरे को बता सकते हैं, ये वीडियो आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार मेहनत करते रहिए, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।